गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 21 लाइफ इज प्रीशियस. यस्टरडे वी रीड अबाउट टैफ्रिक साइंस ओके एंड हाउ कैन बी हेल्प द इंजर्ड पर्सन. वन डे द क्लास टीचर टुक निकिता'स क्लास ऑन ए ट्रिप टू द रेलवे स्टेशन. वन डे नितिका की क्लास टीचर कहाँ लेके गई है? रेलवे स्टेशन. दे रीच द रेलवे स्टेशन बाय बस. द टीचर परचेज प्लेटफॉर्म टिकट्स फॉर ऑल द थैम All of them to enter the railway station. आपने देखा ना, रेलवे स्टेशन अंदर एंटर करने के लिए हमें रेल प्लेटफॉर्म टिकट देना पड़ता है. यू सी द टिकट्स. सीइंग द प्लेटफॉर्म टिकट, निकिता वाज सरप्राइज्ड. शी आस्क्ड हर टीचर व्हाई शुड दे बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट व्हेन दे वर नॉट गोइंग ऑन एनी जर्नी. तो वो पूछ रही हैं कि हमने टिकट क्यों परचेस किया जब हमको यात्रा ही नहीं कर रहे हैं. द टीचर सेड दैट इज नेसेसरी टू बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट बिफोर एंटरिंग द रेलवे स्टेशन. द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स हेल्प द गवर्नमेंट रिपेयर मेंटेन एंड कीप द रेलवे स्टेशन क्लीन. इसलिए हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं. सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट बाय अ रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट बिफोर एंटरिंग आवर रेलवे स्टेशन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. एवरीबडी एंटर द रेलवे स्टेशन. दिस शो मैनी स्टॉल्स. पीपल वर सेलिंग इटेबल लाइक समोसा, ब्रेड पकौड़ा, पोटैटो चिप्स अलॉन्ग विद कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस. आपने भी देखा होगा एट द सेम यू सी स्टॉल्स. पीपल वर सेलिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन वाइल सम वर सेलिंग फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस. नितिका शो सम पीपल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक टू गो टू द अदर प्लेटफॉर्म. अब हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो रेलवे ट्रैक क्रॉस करना है. द रेलवे पुलिस ऑफिसर स्टॉप देम एंड वॉर्न देम नॉट टू क्रॉस द ट्रैक. व्हाई? नितिका टीचर एक्सप्लेन दैट वन शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक टू गो टू द अदर प्लेटफॉर्म्स बट यूज द रेलवे फुट ओवर ब्रिज. हमें ऐसे नहीं पटरी से नहीं जाना, हमें ब्रिज का यूज करना है. पुल बने हुए वहां से जाइए. दिस वुड हेल्प प्रिवेंट एनी रेल एक्सीडेंट. नितिका शो द टिकट चेकर. आंसर नंबर 6 का आंसर है टिकट चेकर चार्जिंग अ पेनल्टी फ्रॉम पैसेंजर हु आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट. अगर आप बिना टिकट के जाएंगे तो आपने देखा ना टीटी अंकल आते हैं, पेनल्टी लगाते हैं. द टीचर सेड दैट इट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रेलवे ट्रेवलर टू परचेस अ वैलिड रेलवे टिकट. नितिका हियर अनाउंसमेंट. आपने देखा ना अनाउंसमेंट भी होता है. पैसेंजर प्लीज पे अटेंशन इफ यू सी एनी अनक्लीन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्म द रेलवे पुलिस डू नॉट टच इट. ओके, द सेम वार्निंग मैसेज वॉज रिटन ऑन द बोर्ड्स डिस्प्ले एट different places at the railway station. Nitika teacher told the children that we should always inform the railway police about any unclean object. अगर आपको देखते हैं कोई ऐसी चीज है जो हमारी नहीं है, आपको खतरा लग रहा है, तो आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए. By being alert, we can ensure safety and security of the people at the railway station. And then you see this MCQs. A challan is not issued to a person who follow our safety rule. Second, we must always cross the railway track by रेलवे फुट ओवर ब्रिज. देन यू सी जैसे दिस यू डू योर सेल्फ. यू टिकट नेम ऑफ ट्रेन कहाँ है? ये रहा नेम ऑफ ट्रेन. ट्रेन नंबर यू सी ट्रेन नंबर इज हियर. दिस इज द टिकट. अगर आपके पास भी टिकट हो तो आप भी उसको देखना और यहाँ फिल कीजिए. ओके, देन दिस इज द एक्टिविटी. नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज कमिंग, एयर पॉल्यूशन. दिस इज आंसर ऑफ आंसर नंबर 8. बींग द लीफ ऑफ एनी प्लांट ग्रोइंग एन अ क्राउडेड प्लेस. आपने देखा रोड के आसपास जो पेड़ होते हैं उन पर ऐसे धूल मिट्टी जाती है क्योंकि सारे व्हीकल्स वहां से निकल रहे हैं, धुआं जा रहा है इनके पास. इन क्राउडेड रोड मैनी व्हीकल्स पास थ्रू आउट द डे. कीप द लीव्स फेस डाउन ऑन ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर देन प्रेस एंड रब इट. वेन यू रब द लीव ऑन द ट्रांसपेरेंट पेपर यू ऑब्जर्व दैट इट बिकम ब्लैक और ब्राउन. अगर आप पेपर से करेंगे तो आप देखेंगे पेपर बिल्कुल काला हो चुका है. दिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सूट ब्लैक कलर्ड पाउडर ऑन द लीफ. स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस आर रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, बर्निंग ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज. दिस आर द रीजन. ठीक है, एयर पॉल्यूशन की रीजन है. एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, हवा गंदी क्यों? दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल स्मोक एंड पॉइजनस गैस रिलीज बाय व्हीकल्स फैक्ट्रीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. When it was inhale this polluted air, we may fall sick. ऐसे धुआंदार अगर हम स्मेल को लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉट इज एयर पॉल्यूशन एंड वॉट आर द रीजन. दिस बोथ द क्वेश्चन आंसर इज हियर. ओके, सो हियर दिस ऑल आर, मैं आपको ये दूंगी, आप
आपके पास ये वर्क आएगा, आप क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, आंसर वहां से करना है, दिस ऑल क्वेश्चन यू टिक मार्क, आप इसको अपनी बुक को इस पूरा इसे फिल करना है, बुक क्वेश्चन नॉट डू इन नोटबुक, ओनली टिक मार्क करना है, जैसे मैम ने वीडियो में दे रखा है ना, तो आप इसको यहीं कंप्लीट कर लेंगे, नोटबुक में करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।